हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म द डार्क एंड द विकेड की, जिसे डायरेक्ट किया है ब्रायन बर्टिनो ने एंड इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग्स मिले हैं 6.1 आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी औरत के साथ जो टेक्सास के एक शहर में अपने बीमार पति के साथ अकेली रहती है। वो बूढ़ी औरत एक दिन घर के एक काम में कुछ सिलाई का काम कर रही थी कि तभी वहां कमरे में किसी चीज की आवाज देती है जिस पर वह ध्यान नहीं देती। उसके बाद वो अपने बीमार पति को देखने जाती है। तभी घर के बाहर एक भेड़िये की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो डर के सहम सी जाती है। उस वक्त बाहर भीड़ किसी चीज को देखकर अचानक से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ एक डरावनी बुरी आत्मा को दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत असल में भेड़िये की आवाज सुनकर समझ चुकी थी कि वो बुरी आत्मा आ चुकी है और इसी वजह से वो डर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो औरत जब किचन में काम कर रही थी तब अचानक उसके पीछे रखी कुर्सी अपने आप हट जाती है, जिसे देखकर वो औरत समझ जाती है कि वो बुरी आत्मा उसके आसपास ही है। अगले दिन वहाँ उस बूढ़ी औरत की बेटी लुइस और उसके बेटे माइकल अपने पिता को देखने के लिए घर आते हैं, जहाँ अपनी माँ से उन दोनों के इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि अपनी माँ से उन दोनों बच्चों की नहीं बनती थी और उन सबके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। वो बूढ़ी औरत अपने बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन उन दोनों को घर में बसे शैतानी आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताती। वहाँ रात को दोनों भाई बहन अपने घर के बाहर बैठे एक दूसरे से बात करते हैं। उन दोनों को महसूस होता है कि सारा दिन अपने पति की अकेली देखभाल करते करते उनकी माँ शायद थक जाती है। साथ में उन दोनों को ये भी समझ आता है कि वो दोनों अपने अपनी जिंदगी में इतने बिजी थे कि अपने पेरेंट्स पर ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाए। रात को जब लुइस घर का दरवाजा बंद करके अंदर आती है तो वो अपने आप खुल जाता है। लुइस को समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया, पर वहाँ पे खड़ी शैतानी आत्मा को सिर्फ उसकी माँ ही देख पा रही थी। वही डिनर करते वक्त वो औरत माइकल को संकेत देती है कि इस घर में कुछ नॉर्मल नहीं है और जल्द से जल्द माइकल और लुइस को ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन माइकल अपनी माँ की बात इग्नोर कर देता है और खाना खत्म करके अपने कमरे में चला जाता है। उसी वक्त किचन का एक चेयर अपने आप फिर से हट जाता है। इसे देखते हुए वो औरत बहुत पैनिक होकर रोने लगती है और चाकू से अपनी उंगलियां काटने लगती है। अगले दिन सुबह घर में अपनी माँ को ना देखते हुए लुइस और माइकल जब उन्हें ढूंढने जाते हैं तो वो अपनी माँ को सीलिंग में फांसी लगाकर सुसाइड की हालत में पाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ लाश लेने के लिए आती है। इस हादसे के बाद लुइस और माइकल को सदमा लगता है और वो दोनों अपने पिता के पास जाके चुपचाप बैठे रहते हैं। अपनी माँ के साथ जो कम्युनिकेशन गैप बन गया था उसे मिटाने के पहले ही उनकी माँ चल बसी। दूसरी तरफ चार्ली नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो उनके पड़ोसी हैं और उन्हें लुइस की माँ की इस दर्दनाक मौत से बहुत दुख पहुँचता है क्योंकि उनकी माँ और चार्ली अच्छे दोस्त थे। उस दौरान लुइस की पिता की जो नर्स देखभाल करती थी वो लुइस और माइकल को बताती है कि उनकी माँ अक्सर खुद से बातें किया करती थी, मानो जैसे कि किसी से बात कर रही हो। ये सब सुनकर लुइस को ऐसे मुश्किल वक्त पे अपने माँ बाप से दूर रहने के लिए पछतावा होता है और अब इस पछतावे से वो अपने बीमार पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी लेती है। फिर वो अपनी माँ के कमरे में जाती है जहाँ वो एक वेडिंग गाउन देखती है जो उसकी माँ उसके लिए बना रही थी। इसे देखकर लुइस को और भी ज्यादा पछतावा होता है और उसकी माँ किससे बात करती थी इस बारे में वो सोचने लगती है। वो इस बात को अपने भाई से डिस्कस करने जाती है पर माइकल इस बात को नजरअंदाज कर देता है। उसके बाद लुइस जब नहा रही थी तो वो बाथरूम पे किसी के कदमों की आहट सुनती है और क्या वो माइकल है या नहीं ये पूछने लगती है। पर जवाब ना मिलने पर जब वो शावर के पर्दा हटाती है तब वो अपने पिता को खड़ा दिखती है जिनकी आंखें उस वक्त सफेद हो गई थी। उसके पिता वहाँ पे अचानक बहुत कांपने लगते हैं जिसे देखकर लुइस बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए आंखें बंद कर लेती है। माइकल लुइस की आवाज सुनकर जब बाथरूम के अंदर देखने जाता है तो वो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। लुइस की बात सुनकर जब वो दोनों अपने पिता के कमरे में चेक करने जाते हैं तब उनके पिता बिस्तर पे वैसे ही सोए हुए हालत में मिलते हैं जैसे वो पहले थे। पर लुइस ने जो अपनी आंखों से देखा उसे उस पर यकीन था, फिर भी वो वहम मान कर अपने मन को शांत कर लेती है। उसके बाद माइकल ग्रोसरी लेने बाहर जाने से पहले अपने पिता को देखने के लिए जाता है पर तभी उसके बिस्तर के नीचे माइकल को अपनी माँ की एक डायरी मिलती है। माइकल वो डायरी के बारे में लुइस को बताता है और वो दोनों उसे पढ़ने लगते हैं जिसमें उसकी माँ ने घर में बसी एक शैतानी आत्मा के बारे में लिखा था जो उनके पति को धीरे धीरे मार रहा था। उनकी माँ को मदद की जरूरत थी। ये सब पढ़ने के बाद भाई बहन डायरी पे लिखी हुई हर बात को घर में हो रहे हादसों के
साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। जब माइकल को याद आता है कि जिस दिन उसकी माँ ने आत्महत्या की थी उसके पहले दिन ही माइकल ने बर्न में एक टब रखा था जिसपे चढ़े उन दोनों की माँ ने अपनी जान ले ली थी, लेकिन माइकल और लुइस को किसी भी तरह से ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उनकी माँ ने अचानक आत्महत्या की ही क्यों। इस बात का कारण ढूंढते हुए फिर से वो दोनों डायरी को पढ़ने लगते हैं, जहाँ उसकी माँ ने डायरी के अगले पन्नों में लिखा था कि उसे उन शैतानी आत्मा की आवाज सुनाई देती है जो उनको और उनके पति को मारना चाहता है। उसी वक्त वो दोनों पोस्टमार्टम करने वाले के पास जाते हैं जो उन दोनों की माँ की लाश का पोस्टमार्टम कर रहे थे। वो उन्हें कुछ क्रॉस देता है जो उन्हें लुइस की माँ की पॉकेट में मिले थे, लेकिन वो क्रॉस देखकर लुइस और माइकल को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उन दोनों की माँ कभी भी इतनी धार्मिक नहीं थी। उसके बाद दोनों भाई बहन वहाँ से चले आते हैं, लेकिन उन दोनों की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। रात में लुइस जब अपने पिता की देखभाल कर रही थी तब अचानक उनके पिता खांसने लगते हैं और मुंह के अंदर से एक मकड़ी निकल आती है। लुइस घबरा के उस मकड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ माइकल आ जाता है और लुइस को परेशान देखकर पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है। पर लुइस उसे कहती है कि सब कुछ ठीक है। उसी रात जब माइकल अपने कमरे में सोने जाता है तो घर की लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। ऐसा कौन कर रहा है ये देखने के लिए माइकल खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो वो अपनी माँ को घर की बाहर हवा में देखता है जो माइकल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी कि तभी उसके कमरे में अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज को सुनता है। इसे सुनते ही जब माइकल खिड़की से नजर हटाकर अपने कमरे के अंदर नजर डालता है तो वो काम में अपनी माँ को देखता है। घबरा के माइकल तुरंत ही हल्की लाइट चलाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अगली सुबह जब लुइस फ्रेश होने के लिए जाती है तो आईने में खुद को देखती है और वो चौंक जाती है क्योंकि उसकी शक्ल में किसी ने लिपस्टिक से निशान बना दिया था। वो अपने पिता के पास जाते ही बिस्तर पर एक लिपस्टिक पड़ी हुई देखती है। इसे देखकर लुइस काफी डिस्टर्ब हो जाती है। तभी घर पर एक कॉल आता है जिसमें लुइस रिकॉर्डिंग सुनती है कि घर के टेलीफोन लाइन को काटा जा रहा है। उसके तुरंत बाद ही टेलीफोन पर एक और कॉल आता है जिसे उठाते ही लुइस अपनी माँ की आवाज़ सुनती है जो उसे घर छोड़ के चले जाने के लिए कह रही थी। उसके बाद जब माइकल घर लौट रहा था तभी वो घर के सामने चर्च के एक फादर को देखता है जिन्हें माइकल और लुइस के बारे में पहले से पता था। वो कहते हैं कि उनकी माँ अक्सर उनसे मिलने के लिए आया करती थी और आगे किसी भी मदद के लिए उन दोनों को अपना नंबर देते हैं। पर ये सब सुनते ही उन दोनों को ये लगने लगता है कि शायद इस फादर ने ही उनकी माँ के दिमाग में ऐसी आत्मा से संबंधित बातें डाली होंगी, इसलिए माइकल उन फादर को घर से चले जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद माइकल अपनी पत्नी को कॉल करके ये कहता है कि वो अपने घर और बच्चों के पास वापस आना चाहता है। उसी रात जब लुइस अपनी माँ की डायरी पढ़ रही थी तो उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद माइकल ने कुछ तोड़ दिया है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी उसके पीछे एक दीवार पर शैतानी परछाई को देखा जाता है। धीरे धीरे लुइस को लगने लगता है कि शायद उसकी माँ सही थी और वो इस बारे में माइकल से शेयर करती है। तब माइकल भी लुइस को उस रात के बारे में बताता है जिस रात उसने अपनी माँ को बाहर हवा में देखा था। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं तो उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं और साथ में कुछ स्क्रैचेस करने की आवाज भी सुनाई देती है। जब वो दोनों घर के बाहर देखते हैं तो उनको चर्च के वही फादर वहाँ खड़े दिखते हैं, पर इस बार उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी जिसका मतलब है कि वो शैतानी आत्मा किसी का भी रूप लेकर आ सकती है। तभी चार्ली उन दोनों की मदद के लिए कॉल करता है पर लुइस का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अब वो आत्मा चार्ली पे हमला करने आती है क्योंकि वो उन दोनों की मदद करना चाहता था। तभी वो घर के बाहर लुइस को देखता है जो चाकू से अपने फेस पे निशान बना रही थी। इसे देखते ही चार्ली समझ जाता है कि ये असली लुइस नहीं है। उसी वक्त लुइस के वेश में वो आत्मा चार्ली के कान पे आके कुछ फुसफुसाती है जिसके बाद चार्ली अपने आप को बंदूक से शूट कर देता है। इसका मतलब है कि वो शैतानी आत्मा इसी तरह से लोगों को आत्महत्या करने के लिए खुद को मजबूर करती है और लुइस की माँ की भी मौत इसी तरह से हुई थी। अगली सुबह वो दोनों घर के बाहर फादर के पैरों के निशान देखने के लिए जाते हैं कि क्या सच में वो रात को यहाँ पर आए थे या नहीं। उन दोनों को वहाँ पे कोई भी निशान नहीं दिखते। वहीं घर की ऐसी हालत में वो दोनों अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ लुइस उस फादर को अपनी माँ के बारे में पूछने के लिए कॉल करती है। तभी वो फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। लुइस कहती है कि ये नंबर खुद फादर ने ही उसे दिया था, पर फादर कहते हैं कि वो उसकी माँ से कभी मिले ही नहीं थे क्योंकि वो तो शिकागो में रहते हैं। फादर उसे ये भी कहते हैं कि उनकी लुइस नाम की एक बेटी थी जिसने आत्महत्या कर ली थी और इत्तफाक से लुइस की आवाज उनकी मरी हुई बेटी की ही तरह थी। ये सुनते ही लुइस काफी कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद
साथ लुईस और माइकल अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए एक डॉक्टर की सलाह लेते हैं, जो उनको ये कहता है कि उनके पिता इस यात्रा की थकान को शायद सहन ना कर पाए, इसलिए उन्हें घर पर ही रखना होगा। उनके पिता की देखभाल करने वाली नर्स कहती है कि उनके पिता को उनके प्यार की जरूरत है, क्योंकि नर्स ने उनकी माँ को अकेलेपन में तड़पते हुए देखा था। उसके बाद जब लुईस और माइकल घर आते हैं तो उन्हें बर्न के बाहर बहुत सारे एनिमल्स मरे हुए मिलते हैं, जिनको देखकर उन दोनों को यकीन हो जाता है कि ये काम किसी भेड़िये का तो नहीं हो सकता। वो एक बॉनफायर बनाते हैं और वहाँ पे सभी एनिमल्स को जला देते हैं। माइकल इमोशनल होकर बाद में एक प्रेग्नेंट एनिमल को गले लगाता है और उसे सुरक्षित रखने का वादा करता है। इस घटना के कारण माइकल इमोशनल होकर अपनी बहन और पिता के पास रहने का सोचता है और लुईस को कहता है कि उसे अब इन सबसे डर लगने लगा है। थोड़ी देर बाद माइकल को बाढ़ में किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है। तभी वहाँ शैतानी आत्मा उसकी माँ का रूप लेकर उसके सामने आती है और माइकल के कानों में फुसफुसाती है, जिससे माइकल चार्ली की तरह ही चाकू लेकर अपनी जान लेने जाता है, पर अपनी इच्छा शक्ति से वो खुद को रोक लेता है। रात में जब लुईस अपने पिता के पास सो रही थी तभी उसे एक बुरा सपना आता है, जहां वो उस बुरी आत्मा को अपने पास महसूस करती है और उसके बाद वो तुरंत ही अपने पिता को सीलिंग पर देखती है और इन सब से वो डर जाती है और तभी लुईस की नींद टूट जाती है और वो माइकल को घर में ढूंढने लगती है। असल में कल रात के उस घटना के बाद माइकल अपने पिता और बहन को छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था और ये बात जब लुईस को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी घर के बाहर चार्ली की ग्रैंड डॉटर लुईस से मिलने के लिए आती है, जो चार्ली की मौत के बारे में बताती है और वो तुरंत ही उसे ये कहती है कि कैसे तुम्हारे पिता रॉट कर रहे हैं। इसे सुनते ही लुईस समझ जाती है कि वो बुरी आत्मा फिर से रूप बदल कर उसके पास आई है। उसके बाद लुईस माइकल को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, तब उसके पिता की नर्स वहाँ पर आती है। लुईस और माइकल के फोन पे बहस चलते समय अचानक ही वो नर्स एक सुई उठाकर अपने आप को लगाने लगती है। इसे देखते ही लुईस नर्स को रोकने की कोशिश करती है, पर नर्स लुईस को बेहोश करके खुद को बेरहमी से मार डालती है। दूसरी तरफ जब माइकल घर पहुंचता है तो वो अपने परिवार को मरी हुई हालत में पाता है, जिससे डर कर माइकल अपने आप की जान ले लेता है। पर मरते वक्त वो देखता है कि असल में उसका परिवार जिंदा है और ये सब उस बुरी आत्मा की साजिश थी। वहाँ लुईस अपने पिता के पास थी और वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसके पिता जोर से खांसने लगते हैं। तभी घर के अंदर माइकल की आवाज सुनाई देती है। लुईस इन सब से डर के अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है, पर जोर से खांसते हुए उसके पिता की जान चली जाती है। उस वक्त वो अपनी माँ की आवाज सुनती है, जिसे देखने के लिए लुईस जब मुड़ती है तो उसके पिता के शरीर के अंदर से निकल कर शैतानी आत्मा लुईस को भी मार देती है। असल में लुईस और माइकल की माँ ने अपने किसी काम को पूरा करने के लिए उस बुरी आत्मा को अपनी आत्माएं सौंप दी थी, जिसकी वजह से वो आत्मा उनके पति के शरीर में बस गया था और धीरे धीरे वो आखिर में सबकी जान ले लेता है। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।